प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर हुए, जिसमें वो विधानसभा चुनाव से पहले हुंकार भरी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली वही, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा और ऐसे जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो सामाजिक न्याय तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सबको स्थान दे रही है, अवसर दे रही है, सम्मान दे रही है और सर्व समाज इस समय प्रसन्नता से झूम रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे उन्नाव, 363 करोड़ के 110 मार्गों का किया शिलान्यास, 7 करोड़ के 9 सड़क मार्गों का किया लोकार्पण, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, उन्नाव निराला प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रयागराज में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर लिखा गया मुकदमा, प्रयागराज में जिलाध्यक्ष शाह आलम समेत कई पर मुकदमे हुए दर्ज, प्रयागराज में की थी जनसभा में ओवैसी ने कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया था पालन। BSP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा ने SP अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात, SP में होंगे शामिल RS कुशवाहा। लखनऊ स्थापित करेगा नया कीर्तिमान, तोड़ेगा टीकाकरण के पुराने सभी रिकॉर्ड, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लखनऊ में चल रहा मेगा वैक्सीनेशन, एक साथ कुल 433 साइट्स पर चल रहा महा टीकाकरण अभियान, पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने के उद्देश्य से जनपद में बनाए गए 991 बूथ, हर सेशन में होगा औसतन 573 लोगों का टीकाकरण। मेगा कैंप के आयोजन किया गया, हर जगह बूथ लगाया गया, जिसमें आज एक कैंप यहाँ सारा हॉस्पिटल में भी लगा हुआ है, इसी प्रकार से 991 हमारे आज रनिंग है और ये प्रातः 8:30 बजे से प्रारंभ होंगे, आज देर शाम पब्लिक तब तक चलेंगे जब तक 100% वहाँ पे जो लोग आके अपने टीकाकरण को लेना। किसानों के द्वारा आदेश बंद का आह्वान किया गया था, इसके बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई, लखनऊ जोन की बात करें तो लखनऊ जोन में शांति व्यवस्था बहाल थी, सिविल पुलिस के साथ PSC जवानों के तैनाती की गई थी, बाराबंकी और लखीमपुर में विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। लखनऊ जोन में आज शांति व्यवस्था रखने के लिए पूरे के पूरे तैयारी है, ये तैयारी कल से ही शुरू कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पे हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीगण सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह चक्रमण भी कर रहे हैं, सब जगह ध्यान पेट्रोलिंग हो रही है और महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी लगी है, स्थानीय स्तर पे संवाद भी किया जा रहा है जो उनके स्थानीय नेता है कि कोई ऐसे कार्रवाई ना करे जिससे शांति व्यवस्था में कोई भी अवरोध उत्पन्न हो। लखनऊ में विदेशी मुद्रा के साथ महिला गिरफ्तार, लखनऊ एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ महिला को किया गया गिरफ्तार, 25 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ महिला गिरफ्तार, DRI ने लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिला को किया गिरफ्तार। लखनऊ में कृष्णानगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले अंतर्जातीय गिरोह के 3 नफर शातिर गिरफ्तार, 2 अवैध कमंचा, चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण व नकदी बरामद। लखनऊ में यूपी टेट 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर 2021 को एक महीने बाद, परीक्षा परिणाम 28 दिसंबर 2021 को घोषित किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर। लखनऊ में मॉडलिंग के नाम पर युवती का बनाया न्यूड वीडियो, लखनऊ में ले जाकर बनारस में एड शूट के बहाने किया न्यूड फोटो शूट, सोशल मीडिया टेलीग्राम हर अन्य सोशल साइट्स पर किया अपलोड, वीडियो हटाने के एवज में मांगे 2 लाख रुपए, पीड़िता ने 2 युवक सहित 1 युवती के खिलाफ गोमती नगर थाने पर दी तहरीर। लखनऊ में आशियाना क्षेत्र में जोरों पर नशे का कारोबार, आशियाना कोतवाली से कुछ ही दूरी पर धड़ल्ले से चल रहा है नशे का कारोबार, लॉ कॉलेज के पीछे बिकता था गांजा, युवाओं को नशे की लत दे रहे हैं नशे के कारोबारी, नशे के कारोबार में नकेल लगाने में नाकाम आशियाना पुलिस। लखनऊ में मौलाना कलीम के 3 सहयोगी की 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर, मौलाना कलीम की निशानदेही पर 3 लोगों को किया गया था गिरफ्तार, मोहम्मद सलीस, कुणाल चौधरी और हाफिज इदरिश अब 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर, रिमांड के दौरान पूछताछ में तमाम परतें खुलेंगी। कासगंज में ट्रैक्टर चोरी की घटना का पुलिस ने किया सफल अनावरण, 13 दिन पूर्व कादरगंज रोड ताज ईद भट्टा में ट्रैक्टर स्वराज मय ट्रॉली को हो गया था चोरी, पुलिस ने किया 3 चोरों को गिरफ्तार, कब्जे में चोरी हुआ ट्रैक्टर स्वराज मय ट्रॉली, 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद।
कासगंज में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारियों ने भारत बंदी के साथ किसान विरोधी कृषि कानून को लेकर यूनियन के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े और उन्होंने कासगंज रोडवेज बस स्टैंड पर रोड जाम कर हंगामा काटा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित एक ज्ञापन SDM और CO सदर को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कुलदीप पांडे आज हमारा पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान है, जिसमें हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन स्वराज बाजार बंद कर रोडों पर घूम रही है। बाजार पूर्ण रूप से बंद है, किसानों और व्यापारियों ने सहयोग किया है और हम रोडवेज पर हमने प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनु